आसन का भी इस तरह से व्यवहार नहीं करता है जिस तरह से पक्षपाती व्यवहार इन्होंने किया है, वो बहुत ही दुखद है। और बाबा साहेब के सपनों को तोड़ने वाला है, उनके अधिकार को तोड़ने वाला है, और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। ये भावना की आंसू है, अमर बावरी कमजोर नहीं है। आंसू दिख रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि अमर बावरी कमजोर है। इस लड़ाई को बाबा साहेब के, अंबेडकर जी के नाम पर हम लोग लड़ेंगे और अपने हक अधिकार को लेंगे। बाबा कह रहा हूँ, मेरे कारस्थ में उनको पड़ी है, मैंने कार संचालन नियमावली भी दिखाया, मेरे कारस्थ में उनको पड़ी है, मैं भी अपना राइट चूंकि मैंने दिया है तो मैंने अपना राइट चाहता हूँ कि मेरा राइट का पालन किया जाए। मैं विधायक हूँ और वहाँ कोई पक्ष विपक्ष का सत्ता पक्ष का भी विभाग नहीं होता, मैं विधायक हूँ और उस अधिकार से मैंने मांग किया था, लेकिन स्पीकर सर नहीं बोलने दिया उन्होंने, लास्ट तक नहीं बोलने दिया। मैं चुप बैठा रहा, जो कारस्थ में पड़ेगा मेरा इतना डिमांड था कि कम से कम पढ़ लीजिए आप, उन्होंने नहीं पढ़ा है। बाबा साहब के इस संविधान का अनादर वो लगातार कर रहे हैं और बराबर कर रहे हैं और उसके उपयोग का केंद्र बना रहे हैं विधानसभा। तो लगता है कि सिर्फ आप दलित से आते हैं, उन्होंने सबका कारस्थगन पढ़ा, अमर भौरी ने पहली बार एक कारस्थगन लेकर के आया, क्यों नहीं पढ़ा आपने? मैं ये कहना चाहता हूँ आपने क्यों नहीं पढ़ा बताएंगे ना कि संविधान में नहीं पढ़ना है। आप बोलते ना कि नहीं हमने मन कर दिया, नहीं पढ़ सकते हैं हम, ग्रहण नहीं कर सकते। आपने तो नोटिस तक नहीं किया, आपने उसको खारिज कर दिया। मैंने कल के लाठीचार्ज पर जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को नमाज पढ़ने के लिए नियोजन नीति पर जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, हमारे महिलाओं को मारा गया, हमारे नेता को जान से मारने की कोशिश की गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का हाथ तोड़ दिया गया, मैंने वो सारे विषयों को लेकर के कार्यस्थगन लाया था चर्चा के लिए, न्यायिक जांच के लिए। ये आप न्यायिक जांच करिए। इस सरकार ने, इस सदन ने बहुत हतोत्साहित किया है, मनोबल को बहुत तोड़ा है। मैं भी पांच बार पिछले साल मंत्री के पद पर था। आप कह रहे कि वो लोग कह रहे कि आप डिक्टेट कर रहे थे, डिक्टेट कर रहे हैं। मैंने पढ़ के बताया कार्यस्थगन लाया, कल हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई, हमारे नेता को मार के मराने का षड्यंत्र किया गया, हमारे महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के पीट पीट के मारा गया। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं पढ़ेंगे मेरे कार्यस्थगन, सिर्फ इसलिए कि मैं दलित विधायक हूँ, मैं चंदन की अर्ज चाहता हूँ, मेरी आवाज को आपने बंद करने का काम किया है। एक काला अध्याय है, काला दिन है इस लोकतंत्र में, जब आप नियम के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं, हम लोग अपना गला फाड़ ले रहे हैं लेकिन आपके कान में जू तक नहीं लग रहा है, आपको ये बात को लेके नहीं आ रहे, संविधान का अपमान करते चले जा रहे, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है आगे लेकर के जाएंगे? मैं बताना चाहता हूँ सीपी सिंह जी, आप भी उन्होंने सबका कारस्थगन पढ़ा, अमर भौरी ने पहली बार एक कारस्थगन लेकर के आया, क्यों नहीं पढ़ा आपने? मैं ये कहना चाहता हूँ आपने क्यों नहीं पढ़ा बताएंगे ना कि संविधान में नहीं पढ़ना है। आप बोलते ना कि नहीं हमने मन कर दिया, नहीं पढ़ सकते हैं हम, ग्रहण नहीं कर सकते। आपने तो नोटिस तक नहीं किया, आपने उसको खारिज कर दिया। मैंने कल के लाठीचार्ज पर जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को नमाज पढ़ने के लिए नियोजन नीति पर जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, हमारे महिलाओं को मारा गया, हमारे नेता को जान से मारने की कोशिश की गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का हाथ तोड़ दिया गया, मैंने वो सारे विषयों को लेकर के कार्यस्थगन लाया था चर्चा के लिए, न्यायिक जांच के लिए। ये आप न्यायिक जांच करिए। इस सरकार ने, इस सदन ने बहुत हतोत्साहित किया है, मनोबल को बहुत तोड़ा है। मैं भी पांच बार पिछले साल मंत्री के पद पर था।